दुनिया भर में कोरोना वायरस ने किस तरह तबाही मचाई थी ये हम सभी जानते हैं। दो साल किस तरह काटे ये पूरी दुनिया ने देखा और जिया। उसके बाद भी कोरोना के कई वायरस आए, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे। तो वहीं इस भयानक महामारी के पीछे सभी ने चीन को जिम्मेदार ठहराया। अब इसके बाद एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको चौंका देगी। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना दोबारा खतरनाक साबित हो सकता है, यानी चीन में दोबारा कोरोना ने एंट्री कर ली है। जानकारी के मुताबिक चीन में एक बार फिर कोरोना आ रहा है। अप्रैल के बाद से यहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिरी तक हर हफ्ते तकरीबन 4 करोड़ केस मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना की ये लहर जून में अपने पीक पर होगी, तब हर हफ्ते कोविड के करीब 6.5 करोड़ केस मिल सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट के चलते चीन में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट पर नजर डालें तो चीन में जून के आखिरी तक हर हफ्ते कोरोना के करीब 6.5 करोड़ केस मिल सकते हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी गिनती है। इसको लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ स्वास्थ्य सलाहकार का हवाला देते हुए बताया गया कि चीन कोरोना वायरस के मामलों की भारी लहर के लिए तैयार है। चीन ने दिसंबर 2022 में विवादित जीरो कोविड पॉलिसी वापस ले ली थी, और ये भी बताया गया कि इसके बाद ये सबसे बड़ी कोरोना की लहर हो सकती है। यानी कि अब तक जो लहर कोरोना की थी, ये कोरोना लहर उससे भी घातक हो सकती है। इससे पहले चीन में जब कोरोना की लहर आई थी, तब एक दिन में सबसे ज्यादा 3.7 करोड़ केस मिले थे। ये चीन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस थे। उस वक्त चीन के अंदर खलबली मच गई थी, तबाही मच गई थी, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई थी। उस वक्त हालात किसी से छिपे नहीं थे। चीन के अस्पतालों में जगह नहीं बची थी, शमशानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी थी। लोगों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए हफ्तों तक इंतजार करना पड़ रहा था, और दवाइयों की कितनी शॉर्टेज हो गई थी वो आपने बखूबी देखा। अब एक बार फिर कोरोना का XBB वेरिएंट चीन में घातक रूप ले सकता है। XBB ओमिक्रॉन के BA.2.75 और BJ.1 सब वेरिएंट का हाइब्रिड है। ऐसा माना जाता है कि XBB वेरिएंट BA.2.75 की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। XBB के स्पाइक प्रोटीन पर 7 म्यूटेशन होते हैं। ये वेरिएंट इम्यून सेल को आसानी से चकमा दे सकता है। ये हमारे शरीर में आसानी से कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। खतरनाक बीमारी से बचने के लिए चीन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। चीन में कुछ नई कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी दी जानी है, जो XBB वेरिएंट को टारगेट करेंगे। तो वहीं चीनी पल्मोनोलॉजिस्ट झोंग नानशान के अनुसार 2 वैक्सीन को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है, जबकि 3 या 4 को जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।